चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे हैं? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज्यादा स्पेशल कोर्स के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक है BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी हाँ, एक ऐसा कोर्स है जिसको कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे ज्यादातर प्रेफर करते हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। रिसेंटली इस ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स में एनरोलमेंट करा है। तो क्या है इस कोर्स में स्पेशल, क्या बनाता है इस कोर्स को इतना स्पेशल, क्यों बच्चे अकाउंटिंग और फाइनेंस में, जिन बच्चों को भी अपना कैरियर बनाना है, इस कोर्स को कर रहे हैं प्रेफर, तो इस कोर्स के बारे में, BAF कोर्स के बारे में A to Z पूरा डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है, पढ़ाया क्या जाता है, कैरियर ऑप्शंस क्या हैं और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप मोस्ट हैं और BAF कोर्स में आपको एडमिशन देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं हमारे बोर्ड पे। चलिए, BAF कोर्स की डिटेल, जैसे आपको फुल फॉर्म पता लग ही गया होगा, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट। कोर्स का जो लेवल है वो है अंडर ग्रेजुएट। ये एक पर्टिकुलर या एक डिग्री टाइप है। डिग्री टाइप क्या होता है? बीकॉम हमारा डिग्री है, BBA हमारी डिग्री है, BA BSc हमारी डिग्री है, वैसे BAF भी हमारे डिग्री कोर्स है। कई बच्चे सोचते हैं ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि ये नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। पूरा बच्चों क्लियर? जैसे बीकॉम की वैल्यू है, BBA की वैल्यू है, वैसे ही BAF डिग्री की भी उतनी ही हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, राइट। ड्यूरेशन की बात करें, मैंने आपको बता ही दिया है 3 साल का ये हमारा कोर्स होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पे होता है। दैट सिंपली मींस 12th में जितनी अच्छी परसेंटेज बनी होगी उतने अच्छे चांसेस आपके होंगे किसी भी अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन पाने के। या फिर कई कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी लेते हैं, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों लिया जाता है? क्योंकि सीट होती है लिमिटेड। सीट जो होती है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो जॉब्स वगैरह में होती है। जो कॉलेज की जो सीट्स वगैरह होती हैं, जिन सीट्स में आपको एडमिशन देना है, वो होती है लिमिटेड। बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो कम जो सीट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड करने के लिए एंट्रेंस बेस्ड बना दिया जाता है, राइट। एलिजिबिलिटी की बात करें, 10+2 आपका होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कई कॉलेजेस ने कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है। देखिए, कई कॉलेजेस स्पेसिफिक सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को विद इकोनॉमिक्स ही BAF कोर्स अलाउ करते हैं। कई कॉलेजेस साइंस वालों को भी, आर्ट्स वालों को भी ये कोर्स अलाउ कर देते हैं। तो मेक श्योर ये करना है आपको, जिस भी कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, वहां जाकर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। 10+2 जरूरी है, 50% जरूरी है। स्ट्रीम मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, क्योंकि ये अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोर्स है, कॉमर्स के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। साइंस और आर्ट्स के भी ये बच्चे कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस उनको अलाउ करेंगे। तो यू हैव टू चेक देयर वेबसाइट, वहां से कॉल कर, फोन कर, मेल कर आप पता कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, एवरेज कोर्स फी की बात करें तो बहुत कम भी है, बहुत ज़्यादा भी है, डिपेंड करता है कैसे कॉलेजेस से आप अपना BAF कोर्स को परस्यू करते हैं। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस 30,000-50,000 में ही आपका 3 साल का BAF कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस 1,00,000-2,00,000 एक साल के भी आपसे ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है 30,000 से लेकर 1,00,000 पर एनम हर साल की आपकी इतनी एवरेज कोर्स फी रह सकती है, डिपेंडिंग सोलली ऑन द कॉलेज दैट यू आर गेटिंग इन। जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ये सारी चीजें फीस को थोड़ा सा बढ़ा देती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, क्योंकि कभी ना कभी आप ग्रेजुएट होंगे, 1-2 साल लेट हो सकते हैं लेकिन हो जाएंगे, राइट। यहां पर आपकी जो सैलरी रहेगी इनिशियल, वो 2-6 लाख पर एनम रह सकती है, मंथली पर एनम, राइट। तो यहां पर स्टार्टिंग में हो सकता है बेसिक लेवल के जितनी एक ग्रेजुएट को मिलती है उतनी है, लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऐसी फील्ड है जहां पर स्काई इज द लिमिट, राइट। अगर आप अच्छी फर्म में वर्क करते हैं, अगर आप Big 5 में वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी अच्छी फर्म में अकाउंटिंग बेसिस या फाइनेंशियल वर्क करते हैं, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती है। और इसके साथ अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज कोई कर लिए हैं तो सोने पे सुहागा है। अगर आपने CA कोर्स कर लिया है, CS कर लिया है, CFA
CMA, CFP, ACCA, बहुत सारे फाइनेंशियल कोर्सेज होते हैं, अगर आपने वो कर लिए हैं तो यहां पर और ज्यादा आपकी जो प्रोफाइल है, सीवी है, उसमें वेटेज बढ़ जाएगा और आपकी जो सैलरी है उसका भी वेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, राइट। बीएफ कैरियर ऑप्शंस की बात करें कि बीएफ कंप्लीट होने के बाद क्या करा जाए, देखिए अगर आप जॉब साइड जाना चाहते हैं तो जॉब साइड में आपको बताया था, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए हायर स्टडी के भी बहुत सारे ऑप्शन है। पहले हम थोड़ा सा पढ़ने के बारे में, हायर स्टडी के बारे में देख लेते हैं। देखिए बीएफ के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं किसी भी रेलेवेंट फील्ड में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, मार्केटिंग में, एचआर में, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है एमकॉम में, आप हर एक स्पेशलाइजेशन में अपना एमकॉम कंप्लीट कर सकते हैं। आप एमबीए भी फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, एचआर से, आईपी से, बहुत सारी हजारों स्पेशलाइजेशन है, कोई सी भी स्पेशलाइजेशन से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जैसे कि आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है बीएफ में, तो अपना एमबीए और एमकॉम भी आप फाइनेंस या अकाउंटिंग रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में ही परस्यू या कंप्लीट करें। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस का सीएफए कर सकते हैं, सीएफपी कर सकते हैं, डबल सीए कर सकते हैं, जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? ज्यादा जानकारी चाहिए इन कोर्सेज के बारे में तो सबके ऊपर मेरा वीडियो बना है, सिर्फ आपको कोर्स का नाम लिखना है, बाय सुनील अधिकारी सर्च करना है यूट्यूब में और वीडियो जो है आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो जिन बच्चों को भी इंटरेस्टेड है बीएफ कोर्स के बारे में प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताइएगा ताकि और इससे रिलेटेड मैं फ्यूचर में वीडियो ला सकूं आप बच्चों के लिए और थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज और इस फील्ड के बारे में एक्सप्लोर कर सकूं, आपको बता सकूं, राइट। चलिए बीएफ कोर्स के मेन सब्जेक्ट की बात करें, 3 साल का कोर्स है, कई कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम है, कई कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर क्या होता है? जब जो हमारा टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, साल में 2 बार लिया जाता है, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, इसको हम सेमेस्टर बोलते हैं। साल में जब 1 बार होता है तो हम एनुअल सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए बेसिक से जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट है मैंने सारे इधर मेंशन कर रखे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भाई नॉर्मल सी बात है, पढ़ाई जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही आपका फोर्टे है, बेसिक स्पेशलाइजेशन है। टैक्सेशन हो गई, ऑडिटिंग हो गई, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, ये हमारे फोर्टे हैं। अगर आप देखिए इससे ये भी आप पता कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही आइडिया दे देता हूँ, इससे ये भी आप पता कर सकते हैं ये कोर्स आपके लिए है या नहीं है। अगर आपकी अकाउंटिंग और फाइनेंस अच्छी नहीं है, झेलू लगती है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, पढ़ने में मन नहीं लगता, ये सिलेबस, ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द थिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चलेगा, मतलब 70% के नियर अबाउट प्रैक्टिकल चीजें होंगी, राइट। नंबर्स में अच्छे होने चाहिए आप, अकाउंटिंग में अच्छे होने चाहिए, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, बहुत कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिकल अगर अच्छा नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईपी आपको पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स बेसिक बताए जाएंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है बिजनेस कम्युनिकेशन, चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो, सब में इसका पार्ट कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बिजनेस, यहाँ पर भी क्वांटिटेटिव जो हमारे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हैं बिजनेस के, वो आपको पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको पढ़ाया जाता है। और एक कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर SEC इसको बोला जाता है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज बोला जाता है इनको, या आपके स्किल एनहेंस करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा है जिसको एक फाउंडेशन नाम दे रखा है। यहाँ पर आपकी बेसिक जितनी भी नॉलेज है बिजनेस से जुड़ी या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी, वो आपकी स्ट्रॉन्ग करी जाती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में इस फाउंडेशन कोर्स को डिफाइन कर रखा है, राइट। डिपेंड करता है किन इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से आप अपना बीएफ कंप्लीट करते हैं, वहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट आपको, थर्ड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये थी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने यहां पर टॉप 6 कॉलेजेस डिफाइन कर रखे हैं, अगर आपको इनमें लेना है तो बहुत अच्छी बात है। सबके इंडिविजुअल वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास कहीं कॉलेजेस हैं, मैं छूट गया हूं या मैं नहीं बता पाया हूं इन 6 में,
तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 50 प्लस कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि बीएफ कोर्सेज को ऑफर करते हैं, तो आप वहां पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। मेंशन मेक श्योर करिएगा कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा ठीक ठाक हो, फैकल्टी ठीक ठाक हो, रेपुटेशन अच्छी हो, आप वहां से अपना बीएफ कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, चलिए, नरसी मोहन जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है हमारा मुंबई में, सेकेंड है रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स मुंबई में, अगेन एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, फोर्थ मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में है हमारा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंस कोलकाता में है, सिक्स है हमारा महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। राइट, तो ये टॉप सिक्स हमारे कॉलेजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, यहां पर मैं वो कवर नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा इस कोर्स के बारे में, क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कोर्स के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या ये बेटर अल्टरनेटिव है MBA से, MBA नहीं BBA से, MBA तो बड़ा भाई है, छोटा भाई क्या है BBA, क्या आप, अगर आपको ऑप्शन दिए जाए BCOM, BAF, राइट, या फिर BBA, आप तीनों में से कौन सा एक चुनेंगे या चुन रहे हैं या चुन लिया है, राइट, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देखता हूं मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या करने की सोच रहे हैं, अगर जवाब जिसके ऊपर भी ज्यादा आता है उससे रिलेटेड मैं भर भर के कंटेंट आप बच्चों के लिए डालने वाला हूं, ताकि आपको आगे क्या करना है फ्यूचर में, क्योंकि कोर्स में एनरोल तो आपने कर लिया, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आगे क्या करना है उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आप बच्चों को, तो वो मैं कोशिश करता हूं आपकी दूर करने की इन वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्यारे प्यारे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली भी अगर फॉलो करते हैं तो वहां पर बहुत कुछ नया होता रहता है इंस्टाग्राम में, मैं लेटेस्ट न्यूज कैरियर रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, आपको अवेयर करता रहता हूं एडमिशन कब है, गवर्नमेंट जॉब कब निकल रही है, प्राइवेट जॉब कब निकल रही है, बहुत कुछ नया होता है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ है, कहां मिलेगी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में, आप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, पसंद आता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।